कृष्णा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं उषा, मैं फिर से आपको उसी टॉपिक जो टॉपिक मैंने पिछली वीडियोस में दिया था, इम्परेटिव सेंटेंस। तो हमने चर्चा की थी कि इम्परेटिव सेंटेंस टू टाइप्स में बांट करके अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा स्पष्ट हो जाता है कि हम कहाँ लेट लगाएं, कहाँ ना लेट लगाएं। ठीक है, तो सिंपल इम्परेटिव की हम चर्चा पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे बच्चों लेट से आरंभ होने वाले वाक्य, लेट से आरंभ होने वाले इम्परेटिव सेंटेंस कह लीजिए आप या सूचक वाक्य कह लीजिए। ठीक है, तो हम रूल नंबर फर्स्ट पर जाएंगे, फर्स्ट पर्सन। रूल नंबर फर्स्ट पर जाएंगे तो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ आज्ञा, सलाह, निवेदन, आज्ञा, सलाह, निवेदन, परामर्श आदि भाव प्रकट होते हैं। अब इसकी चर्चा करते हैं फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है बच्चों, तब पहले हम ये क्लियर नहीं करेंगे, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि ये लेट से क्यों बनते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट पर्सन जो हमारा होता है वो होता है, एक होता है आई और बी, सेकंड होता है यू और थर्ड होता है ही, शी, दे, दिस और किसी का भी नाम हो जाए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, हमने कल चर्चा की थी जो कि हमने सिंपल इम्परेटिव पढ़े थे आपको, तब हमने आपको बताया था कि केवल सेकंड पर्सन से मतलब होता है उसमें, और वो भी सेकंड पर्सन का उसमें भाव छुपा होता है, क्लियर नहीं होता है, बट हम जो ऑर्डर आज्ञा सलाह दे रहे होते हैं वो सेकंड पर्सन को दे रहे होते हैं। इसलिए अब किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन की चर्चा कर रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, आई और वी, कौन होते हैं आई और वी, और थर्ड पर्सन कौन होते हैं, ही, शी, दे, दिस, दैट, किसी का भी नाम, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, फार्मर, किसान, टीचर, स्टूडेंट, लड़की, गीता माता। ठीक है, तो अब हम जानते हैं जैसे इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो पजेसिव होता है माई, माई होता है और ऑब्जेक्ट इसका होता है मी, और बी का ऑब्जेक्ट होता है अस, और ही का हिम होता है और सी का हर होता है और दे का देम होता है, इसका नहीं होता। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ आज्ञा, सलाह, सलाह, निवेदन, परामर्श आदि भाव प्रकट होते हैं। अब जैसे हम ये कहें कि मुझे खाना खाने दो, उसे बाहर जाने दो, हम एक उदाहरण से समझेंगे फिर आगे चर्चा करेंगे। उसे बाहर जाने दो, ठीक है, हाँ। और अधिकतर वाक्यों में इनके अंत में अगर हम मेरे लिए पहचाने तो इन वाक्यों के अंत में मोस्टली 99% बल्कि 99% दो शब्द आता है, क्या आता है, दो शब्द आता है, इससे हम पहचान लेते हैं, ये भी आइडेंटिटी है। इसमें क्या होगा, हमारा कोई भी फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन दिया होगा, लेट मी गो, लेट हिम ईट द फूड, लेट देम प्ले, लेट मदर कुक द फूड, इस तरह से। तो लेट कौन होगा, कोई भी फर्स्ट पर्सन होगा या थर्ड पर्सन होगा, ठीक है, उसके तो उसका भी ऑब्जेक्ट रूप लगता है। अभी हम स्ट्रक्चर के थ्रू आपको समझाएंगे, जैसे अगर हम इसके स्ट्रक्चर की चर्चा करें तो जैसे थोड़ा सा समझ लेंगे तो हमारे रूल समझ में आ जाएंगे। लेट आता है सबसे पहले, फिर ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर एनी फर्स्ट आती है, एनी फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट अगर होता है तो आ जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे सबसे पहले लेट आता है, लेट जो होता है ना आगे लेने देने के सेंस में इसका यूज होता है, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे सोच रहे होंगे कि दो ऑब्जेक्ट कैसे लिख दिए स्ट्रक्चर में, एक ये लिख गया और एक ये लिख गया। ये जो ये होता है हमारा फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन,
इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लगाया जाता है। जैसे सबसे पहले लगेगा लेट, फिर ये जो लगेगा उसे ही न लग करके क्या लगता है, हिम लगता है। लेट हिम गो आउट, लेट हिम गो आउट। अब हम सीधे सीधे ये समझ लेंगे कि जैसे कि हमारे सिंपल इंपरेटिव में हम डायरेक्टली सेकंड पर्सन से कहते हैं कि बाहर मत जाओ, खाना खा लो, ये मत करो, हैं, किताब पढ़ो, मम्मी की बात मानो, बट थर्ड पर्सन लेट वाले इनके साथ क्या होता है, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन की। ये मान लीजिए कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा है। हम ये कहें मम्मी को बाजार जाने दो, हम आपसे कह रहे हैं, डायरेक्ट सेकंड पर्सन से नहीं कह रहे हैं, बट हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, लेकिन कह किस से रहे हैं, सेकंड पर्सन से कह रहे हैं कि मम्मी को बाहर जाने दो। तो मम्मी कौन हो गई हमारी, थर्ड पर्सन हो गई। तो मम्मी, लेट मदर गो आउट, तो किसकी चर्चा होती है, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन की बात आती है यहाँ पर। और सादा वाले में डायरेक्ट हम सेकंड पर्सन से बात करते हैं, डायरेक्टली सामने वाला जो होता है उससे, और इसमें थर्ड पर्सन की, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से थर्ड पर्सन के बारे में चर्चा करता है मोस्टली। ठीक है बच्चों, अब हम एक बार इससे हमें आइडिया लग गया थोड़ा सा, अब हम फिर एक बार चर्चा कर लेते हैं फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन के साथ आज्ञा सलाह निवेदन परामर्श आदि भाव प्रकट होते हैं। ठीक है, वही पहचान है जो सादा इंपरेटिव में होती थी, आज्ञा सलाह निवेदन परामर्श, ठीक है, वही है। बट अंतर कितना है इसमें, फर्स्ट पर्सन की और थर्ड पर्सन की चर्चा होती है। ठीक है, उसमें डायरेक्ट क्रिया आती है, इसमें क्या है, कोई या तो थर्ड पर्सन होगा या फर्स्ट पर्सन दिया होगा। ठीक है, अब हम सेकंड रूल पर जाते हैं बच्चों। ठीक है, इन वाक्यों में सबसे पहले लेट का प्रयोग करते हैं, लेट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब जो हम बता रहे हैं, सब्जेक्ट ये दिए होते हैं, आई क्या है हमारा सब्जेक्ट, और आई का ऑब्जेक्ट क्या है मी, बी क्या है सब्जेक्ट, बी का ऑब्जेक्ट क्या है अस, ऑब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट को लगाया जाता है। अब ही का क्या है ही, तो ये नहीं लगेगा, ये लगेगा। सी सी का क्या है ऑब्जेक्ट, हर लगेगा। देर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, देम लगेगा, डायरेक्ट किसके बाद, लेट के बाद। थर्ड रूल में चलते हैं, यदि वाक्य में, यदि वाक्य नेगेटिव होता है, नेगेटिव, ठीक है बच्चों, तो डू नॉट लेट या डोंट लेट, डोंट लेट मी ईट, डोंट लेट हिम गो आउट, उसे बाहर मत है। तो लेट से पहले डू नॉट का प्रयोग कर देते हैं, या कहेंगे डू नॉट के बाद लेट का प्रयोग करते हैं। डू नॉट लेट हिम गो आउट, मम्मी को खाना मत बनाने दो, डू नॉट लेट मदर मेक द फूड या कुक द फूड। तो रूल नंबर फोर में आ जाएंगे, सॉरी फोर में आ जाएंगे, ये फाइव। यद वाक्य में कृपया होता है, क्या दिया होता है, कृपया दिया होता है, तो प्लीज ये बाद लेट का प्रयोग करते हैं, प्लीज लेट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है बच्चों, यद वाक्य में कृपया और मत दोनों शब्द आते हैं, ठीक है, क्या क्या आ रहे हैं, कृपया भी आ रहा है और मत, ठीक है, रिक्वेस्ट की जा रही है किसी कार्य को न करने की, ठीक है, विनती की जा रही, निवेदन किया जा रहा है किसी कार्य को न करने का, तो कृपया और मत दोनों शब्द आते हैं, तो प्लीज डू नॉट, प्लीज के बाद डू नॉट लगता है, फिर उसके बाद लेट लगता है, तो प्लीज डू नॉट लेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे इस तरह से फोर फाइव रूल्स हो जाते हैं। आप एक बार इनका स्क्रीन शॉट ले लीजिए या इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा उदाहरण पर चलेंगे। ठीक है, हटा देते हैं थोड़ा सा एग्जांपल समझने के लिए। ले लिया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो इंपॉर्टेंट चीज टॉपिक्स होते हैं, जो चीजें नोट करने योग्य होती है वो आप नोट कर लीजिए, कर लिया करो। ठीक है बच्चों, अब हम थोड़ा एक तो उदाहरण के लिए थोड़ा सा देखते हैं, एग्जांपल नहीं लेंगे तब तक हम इसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है,
चर्चा करें तो स्ट्रक्चर से अगर हम समझें तो ये हो जाएगा हमारा लेट प्लस ऑब्जेक्ट। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एमबी फर्स्ट प्लस एक और ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो जैसे हम कहें उदाहरण देंगे उसे स्कूल जाने दो, दूसरा ले सकते हैं तो हम कहेंगे उन्हें या हमें, ऐसे कर लो हमें मैच खेलने दो, हमने आपसे कहा था 99% आओ चले लेट अस गो। हाँ अपवाद भी है, जैसे हम ये कहें अगर हमने आपको तो कहा था कि 99% सेंटेंसेस में क्या आता है, दो शब्द आता है, ये पहचान लीजिए आप लेट वाले में, ठीक है। और इसके अलावा अपवाद भी है हमारा, क्या अपवाद है, जैसे हम कहें लेट अस लेट्स गो चलें खेलें, लेट्स प्ले, तो यहाँ पर चलें खेलें, खेलना चाहिए हमें, खेलना चाहिए, लेट्स प्ले लेट अस प्ले हमें खेलना चाहिए, तो वहां पर हमारा दो शब्द नहीं आता है। उसे अब जब हम कैसे पहचाना है उस इंपरेटिव, सिंपल इंपरेटिव और इसमें डिफरेंस कैसे कर पा रहे हैं, क्या रहा है यहाँ पर थर्ड पर्सन आ रहा है, तो थर्ड पर्सन की चर्चा होती है। तो सबसे पहले हम वाक्यों में लेट लगाते हैं, उसके बाद अब हम कहें दो ऑब्जेक्ट कैसे आ रहे हैं, जो यहाँ सब्जेक्ट दिया होता है उसे ऑब्जेक्ट के रूप में लगाया जाता है। तो लेट हिम ही न लगकर क्या लगता है, हिम, लेट हिम गो टू स्कूल। आया बच्चों समझ में, कभी नहीं आया, सबसे पहले लेट फिर ऑब्जेक्ट, जो ये दिया होता है फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लगाते हैं, गो टू स्कूल। अब इसी के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं, इसको कैसे बनाएंगे, लेट अस प्ले द मैच, लेट अस प्ले द मैच, ठीक है, ये हो गया हमारा। अगर हम नेगेटिव की चर्चा करें तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर इसी को अगर हम नेगेटिव बना लें इसी स्ट्रक्चर को, तो यहाँ क्या कर देते हैं, डू नॉट लेट, क्या कर देते हैं, डू नॉट लेट। तो ये उदाहरण आप नोट कर लीजिए बच्चों, दो एक उदाहरण नोट कर लीजिए, आप उसी से समझ जाएंगे। इसका हम एक नेगेटिव ले लेते हैं, ये मान के चलते हैं ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, सॉरी कोई दिक्कत नहीं, जल्दी हो जाता है, डू नॉट लेट ऑफ, ठीक है, ये हमारा किसका हो गया, नेगेटिव का। हम ये कहें से किसी के फादर शराब पीते हैं, तो बेटा मम्मी से कह रहा है कि पापा को शराब मत पीने दो, या पिताजी को, पिताजी को शराब मत पीने दो, ठीक है। तो क्या है, मत शब्द आया है और बेटा मम्मी से कह रहा है, ये मान के चलिए, तो फादर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर तो फादर आया है, वो क्या है, ये ऑब्जेक्ट, ये ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं लिखते, अगर यहाँ कोई नाउन लिख लेते हैं कोई संज्ञा, तो क्योंकि हम ऑब्जेक्ट इसलिए लिख लेते हैं, यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट कारक होते हैं यू दे बी आई सबको ऑब्जेक्ट के रूप में लगाते हैं, बट अगर किसी का नाम आ जाता है किसान माता स्टूडेंट टीचर तो उसको तो एज इट इज जैसा था तैसा लगाते हैं, बट ये फादर आया है तो हम ये कह सकते हैं नाउन अगर आता है तो उसको, कोई भी संज्ञा आती है तो उसको जैसा का तैसा लगा सकते हैं। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, डू नॉट लेट, ठीक है, तो डू नॉट के बाद लेट लगता है, तो डू नॉट लेट क्या
क्या मत करने दो, ड्रिंक पीना, क्या मत पीने दो, शराब। ऑब्जेक्ट क्या है, द वाइन। ठीक है, पिताजी को शराब मत पीने दो, डू नॉट लेट ड्रिंक द वाइन। ठीक है बच्चों, अगर हम इसी को इंपरेटिव का नेगेटिव, उसका कृपया वाले का नेगेटिव बनाते हैं, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। एक उदाहरण और लेते हैं हम, मान के चलिए इसको सेकंड कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम इसका ले लेते हैं, ठीक है, कृपया वाले का नेगेटिव ले लेते हैं। कृपया मम्मी को खाना मत बना दे दो, मम्मी को खाना मत बना दे दो। ठीक है, उसे बाहर मत जाने दो, लड़की को मत नाचने दो, लड़की को गीत मत गाने दो, उसे आगरा मत जाने दो। ठीक है, तो क्या है मत, तो थर्ड पर्सन की बात आ रही है, थर्ड पर्सन की बात आ जाती है तो वह लेट लग जाता है, तो क्या कर देते हैं, प्लीज डू। इसका स्ट्रक्चर हमने नहीं बनाया तो हम चला बना देते हैं यहाँ पर, यहाँ से समझ लो, वही है, कोई दिक्कत नहीं, प्लीज डू नॉट। ठीक है, इससे पहले प्लीज लग जाएगा, स्ट्रक्चर वही रहेगा। अगर आप यहाँ से समझें तो इस तरह समझ सकते हैं बच्चों, क्या कर देंगे हम इसको स्ट्रक्चर, अगर इसका बनाते हैं प्लीज वाले का तो यहाँ पर प्लीज लगा देंगे। ठीक है बच्चों, प्लीज प्लीज डू नॉट लेट, क्या हो जाएगा, प्लीज डू नॉट लेट। ठीक है, इससे समझ लेते हैं, सबसे पहले क्या लगाएंगे, कृपया की और मत की दोनों की अंग्रेजी लगाएंगे। ठीक है, इसको नहीं लगाते तो इससे समझ लेते हैं। ठीक है, तो प्लीज डू नॉट लेट। ठीक है, तो प्लीज कृपया के लिए हो गया, डू नॉट किसके लिए हो, मत के लिए हो गया, और लेट इसकी आइडेंटिटी होती है थर्ड पर्सन के साथ, क्या होता है, मम्मी, मम्मी क्या है हमारी, थर्ड पर्सन में आती है। ठीक है, मम्मी के साथ थर्ड पर्सन वाले वाक्य, आज्ञा शला, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ आज्ञा शला, निवेदन, परामर्श आदि भाव प्रकट होते हैं, तो उन वाक्यों को लेट से बनाते हैं। ठीक है, तो लेट बनाना थी, मेक द फूड। ठीक है बच्चों, अब अगर हम देखें, देखा जाए हमारा, तो टोटल सात सभी सेंटेंस हो गए हमारे, बट एक नहीं हुआ है, सभी का हमने उदाहरण समझ लिया, ओनली प्लीज वाला नहीं हमने समझा है, या चाहे तो हम उसको समझा सकते हैं, इसको हटा देते हैं, इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। हम इसको लिखा रहने देते हैं, ऊपर वाला सेंटेंस हटा देते हैं, ले लिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया करो या नोट कर लिया करो, या आप स्क्रीनशॉट नहीं लेते हो, नोट करते हो तो कभी कभी आफ्टर दैट इसको देखते हो तो वीडियो को थोड़ा पॉज कर लिया करो, पॉज करके रोक करके थोड़ा उसको नोट कर लिया करो। अब हम इसकी वजह से हम कहें प्लीज वाले की बात करें, इसका स्ट्रक्चर हम बनाए तो ऐसे बनाएंगे, प्लीज प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट, या कोई नाम आता है तो नाउन भी कह लेंगे हम उसको, प्लस एंड दी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, जैसे आपकी आपकी समझ के लिए हम बता दें, तो जैसे ये एक तो हो जाता है कि जो हमारा सब्जेक्ट दिया होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट दिया होता है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लगाते हैं, और दूसरा जैसे खाना, ये ऑब्जेक्ट हो गया द फूड, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे हम सेंटेंस लिखेंगे, कृपया उससे मेरी किताब पढ़ने दो, उसे मेरी किताब पढ़ने दो। अब हम जैसे दो ऑब्जेक्ट, कुछ बच्चे परेशान होंगे कि हम दो ऑब्जेक्ट कैसे आ रहे हैं, तो एक तो ये होता है हमारा, ये थर्ड पर्सन जो होता है ना वो ऑब्जेक्ट के रूप में लगता है, और दूसरा ये किताब, वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया,
किताब, मेरी किताब, ठीक है। तो कैसे बना देते हैं इसको, प्लीज, प्लीज की जगह हम काइंडली भी लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों, प्लीज लेट, ठीक है, हिम, ये क्या थर्ड पर्सन, ठीक है। तो इसको हिम लगाकर हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में लगाते हैं, जैसे हम सबसे पहले चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में, प्लीज लेट हिम, ठीक है। रीड, एनडी क्या है हमारी, रीड, आर ई ए डी, ठीक है। अब दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारी, मेरी किताब, माई बुक, ठीक है बच्चों। बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, आप बाद में पढ़ते हैं तो वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है बच्चों। आज के लिए हम इतना ही टॉपिक क्लियर कर हो गया, हमारा इम्परेटिव पूरा क्लियर हो गया है, सिंपल इम्परेटिव और लेट वाले इम्परेटिव। आगे अगली वीडियो में हम आपको कुछ और देंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को, यदि हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ हमें इससे मोटिवेशन मिलता रहे, थैंक यू।